वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको सबकी फेवरेट रेसिपी जी हाँ समोसे बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही इजी और आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में जो मार्केट में मिलते हैं बिल्कुल वैसे समोसे मैं आज आपको बनाना बताऊंगी। समोसा बनाने समय कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसका कि हमें ध्यान रखना होता है, तो मैंने कुछ टिप्स दिए हैं तो आप मेरा वीडियो पूरा बिना स्किप किए देखें। ये देखिए मैं दिखाती हूँ एक समोसा कितना अच्छा बना है, कितना क्रिस्पी, कहीं से भी फटा नहीं है और आप मेरे हाथ पे देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखिए आवाज़ सुन सकते हैं कितना क्रिस्पी समोसा हमारा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए तो ये समोसा मैंने कैसे बनाया है, तो चलिए बिना समय गवाए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है, इसमें अब हम अजवाइन ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर अजवाइन ली है, अजवाइन को हम क्रश करके डालेंगे, इससे जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1/2 टीस्पून हम लेंगे नमक, नमक ऐड करेंगे। अब इसमें हम तेल ऐड करेंगे, तो इस चम्मच से मैं तेल ऐड कर रही हूँ, 3 चम्मच 4 और ये 5 टीस्पून मैंने इसमें तेल ऐड किया है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मोइन हमें इतना ही देना है कि इस तरह गुठलियाँ बनने लग जाएं। अब हल्का गुनगुना पानी हम इसमें ऐड करेंगे और हमें इसका टाइट डो लगाना है, तो यहाँ पर मैंने ये 1 कप गुनगुना पानी लिया है, इससे हम डो लगा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी ऐड करना है और सभी को अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह हमें सख्त डो लगाना है, आप देखें इतना टाइट हमें इसको लगाना है। और 1 कप हमने पानी लिया था, इतना पानी हमारा बचा है यानी 1/4 कप पानी हमारा इसमें लगा है, तो इसको ढककर हम 15 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम स्टफिंग तैयार करेंगे। गैस पे पैन रख दिया और गैस को ऑन कर दिया और अब इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे, तो 4 टीस्पून मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। तेल को गरम होने देंगे, तेल गरम हो गया है तो 1/2 टीस्पून मैं इसमें जीरा डालूंगी, जीरा चटकने लग गया है तो 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर अदरक को कद्दूकस किया था वो इसमें हम ऐड करेंगे। 1 कप मैंने यहाँ पर मटर लिए हैं, ये मेरे फ्रीजर के मटर है, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश मटर के जैसे ही लग रहे हैं, ये इसमें हम ऐड करेंगे और इसको पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हमें पकाना है। मटर को प्रिजर्व कैसे करते हैं यदि आपको जानना है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं ज़रूर इसका वीडियो अपलोड करूंगी। मैंने बारीक कट की हुई हरी मिर्च ली है, वो इसमें हम ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हम इसको चलाएंगे। अब डालेंगे हम नमक, नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर लिए हींग, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया काला नमक, वो इसमें हम ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया गरम मसाला, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिए लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिए अमचूर, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिए हरी सौंफ, ये भी हम इसको ऐड करेंगे और सभी को एक बार हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 4 आलू को मैंने उबाला है, इसको मैश किया, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। 1/2 कप मैंने यहाँ पर बारीक कटा हरा धनिया लिया है, वो भी इसमें हम मिक्स करेंगे और एक बार सभी को हम अच्छी तरह से हिला लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमें कम ही रखना है, 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, सभी को मैंने मिक्स कर लिया है। गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और स्टफिंग को हम निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छी स्टफिंग बनकर तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं जो आटा हमने लगाया था वो सेट हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है, इसको हमें 2-3 बार अच्छे से मैश करना है, इस तरह दबा दबा के, ताकि बिल्कुल जो है चिकना हो जाए। इस तरह मैंने इसको लंबा कर लिया है और इसको हम बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे लोइयां बना लेती हूँ,
इसकी मैंने 5 लोइयां बनाई हैं। सभी को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं, इसके पेड़े बना लेंगे इस तरह गोल दबाते हुए। 5 लोइयों के 5 लोइयों के हमारे 10 समोसे बनके तैयार होंगे। इस तरह हल्का सा प्रेशर देते हुए हमें इसके पेड़े बना लेने हैं। तो चलिए अब हम इसको बेल लेते हैं। बेलने के लिए आप बोर्ड ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर चकला लिया है। तो एक लोई उठाएंगे और हल्का सा हमें इसको मैदे में इस तरह लपेट के और दबा के और इसको हमें बेलना है। बेलन की मदद से इसको हमें बेलना है इस तरह। इस तरह मैंने यहाँ पर इतना बड़ा बेल लिया है। अब इसको नाइफ की मदद से 2 भागों में हम डिवाइड करें। तो यहाँ पे मैं इसको बराबर इक्वल करके डिवाइड कर देती हूँ। इस तरह हमें सारी लोइयां बना के बेलनी है। इनको मैं एक प्लेट पे रख देती हूँ, दूसरी भी हम इसी तरह ही बेलेंगे। हल्का सा मैदे में हमें लपेट के इसको बेलना है। इसको भी हम कट कर देते हैं और इस तरह सारी बेल लेती हूँ मैं पहले। चलिए अब हम इसमें फिलिंग भर देते हैं। फिलिंग भरने के लिए हमें यहाँ पर इस लेयर पे हमें पानी का हाथ लगाना है। सबसे पहले हम इधर पानी लगा लेते हैं फिंगर की मदद से। अब इसको हम उठा लेंगे इस तरह और इधर भी हम पानी लगा लेते हैं थोड़ा सा, ताकि अच्छी तरह से सील पैक हो जाए। और इस तरह आप देखिए, इस तरह हमें इसको कोन का शेप देना है, एक के ऊपर एक। और इस तरह हम इसको आगे से प्रेस कर देंगे, आप देख सकते हैं इस तरह। और हाथ में लेते हुए इसको हम अच्छी तरह से दबा देंगे, ताकि कहीं से भी जो है ये खुले नहीं। बिल्कुल इस तरह हमें इसको रखना है, कहीं से भी ये खुलना नहीं चाहिए। 2 से 3 बार हम इसको अच्छे से दबा देंगे। अब इसको हमें इस तरह ऊपर की ओर उठाते हुए इसमें हम फिलिंग भरेंगे। तो स्पून की मदद से जो मसाला हमने बनाया था वो हम इसमें डालेंगे। ज़्यादा हमें इसमें नहीं भरना है, नहीं तो वो पैक होने में हमें दिक्कत आएगी। थोड़ा ही हम इसमें भरेंगे, थोड़ा ऊपर से हमें खाली रखना है। हल्का सा हम इसमें पानी लगा देंगे चारों तरफ, ताकि अच्छे से सील पैक हो जाए इस तरह। और इस तरह हम सभी को एक साथ दबा देते हैं, ये देखिए। और हाथ में लेते हुए इस तरह हमें इनको दबाना है, ताकि पूरा अच्छे से पैक हो जाए। इस तरह हमें समोसे पैक करने हैं। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले हम पानी की लेयर लगा देंगे एक, इधर भी हम लगा लेते हैं। और इसको कोन का शेप देते हुए बिल्कुल एक के ऊपर एक ले जाना है, ये देखिए इस तरह। और हल्का सा प्रेस कर देंगे, अंदर से फिंगर डालते हुए इसको प्रेस करना है। 2 से 3 बार करेंगे, ताकि ये खुले नहीं। फिर इस तरह हम इसको उल्टा कर देंगे और इसमें अब हम फिलिंग डालेंगे। ज़्यादा नहीं भरनी है फिलिंग, जितना हो जाए। पानी की लेयर लगा देंगे हम चारों तरफ, ताकि अच्छे से पैक हो जाए। और इस तरह सभी को मिक्स करते हुए इनको हम प्रेस कर देंगे इक्वल, कहीं से भी खुलना नहीं चाहिए। जैसे 2 से 3 बार हम इसको प्रेस कर देंगे और इस तरह रखते हुए इस तरह सभी समोसे हमें भर के तैयार करने हैं। सभी समोसों को मैंने फिल कर दिया है, तो चलिए अब हम फ्राई करते हैं। पैन में मैंने तेल ऐड कर दिया है, तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। एक एक करके हम समोसे इसमें डालेंगे, तेल हल्का गर्म हो गया है। एक एक करके हमें इसमें डालना है, जितने आएंगे हम उतने ही डालेंगे। गैस की फ्लेम को हम जब तक डालेंगे तब तक फुल ही रहने देंगे, फिर हम कम कर देंगे। कम फ्लेम पे ही हमें इनको फ्राई होने देना है। कम फ्लेम पे पकाने से समोसे जो है बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी बनेंगे। समोसे के ऊपर से जो बबल्स आ जाते हैं वो नहीं आएंगे।
आपने नोट किया होगा मार्केट के जो समोसे आते हैं उन्हें बिल्कुल बबल्स नहीं आते हैं, वो इसी कारण से नहीं आते हैं कि वो जो है बिल्कुल कम गरम तेल करके ही उनमें समोसे डालते हैं। कहने का मतलब यह है कि तेल का जो टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए। जब ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इनको पलट देंगे। अब इन्हें हम एक बार पलट देते हैं तो धीरे धीरे करके हम इन्हें पलट देंगे इस तरह, और इन्हें अभी हम फ्राई होने देंगे कम फ्लेम पे। आप देखिए समोसे जो है हल्के गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो गैस के फ्लेम को मैंने यहाँ पर थोड़ी सी तेज कर दिया है, यानी कि कम फ्लेम से मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम गैस की कर दी है। समोसे सिकने में 10 से 12 मिनट का टाइम हमें लगता है। समोसे गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं तो चलिए इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। एक एक करके हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे समोसे हमारे बनकर तैयार हुए हैं। कहीं से भी देखिए बबल्स भी नहीं है, कहीं से टूटा नहीं है, बिल्कुल फिलिंग जो की थी वो बिल्कुल अच्छी हुई है हमारी। देखिए ये देखिए इसी तरह हम दूसरा राउंड भी कर लेंगे। इस तरह देखिए मैंने ये राउंड भी पूरा कर लिया है। तो सारे समोसे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं तो चलिए अब इन्हें हम सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं समोसों को मैंने सर्व कर दिया है, कितने अच्छे और अट्रैक्टिव लग रहे हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ही अच्छे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पास से कितना अच्छा समोसा हमारा बना है, कहीं से भी खुला नहीं है। आप देख सकते हैं समोसे बनाते समय हमें इतना ध्यान रखना है कि इसका जो हम दो लगाएंगे वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए, और जब हम समोसे को फ्राई करेंगे तो हमें तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है और कम फ्लेम पे ही हमें इनको पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि पूरे अच्छे से अंदर से पक जाएं। घर के बने हुए समोसों की तो बात ही क्या। ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और बताइए कि आपके समोसे कैसे बने हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप उन्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।